आप अपनी नियत तो रखे, मैंने अपने बच्चे को बच्ची को तालीम दिलवानी है, कोई ना कोई सहारा बन जाता है। 20-20 साल का गाड़ियाँ ठीक करने का, रेफ्रिजरेशन का सारा एक्सपीरियंस है, जस्ट एक सर्टिफिकेट ले लें। एक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपकी जगह पे किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाइनीज एम्बेसी विजिट करें, वो वहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको परफेक्ट डेट्स मिलेंगी। एजेंडा हम किस लिए ढूंढते हैं? या तो हमने किसी को दो नंबर तरीके से बाहर भिजवाना है, या तो फिर आपकी 16 एजुकेशन में इतना लेवल नहीं है कि आप खुद अप्लाई कर सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله ونوره وكماله। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको कौन सी चीज़ें कामयाब करवाती हैं? मेहनत, माँ बाप की दुआ, उसकी नियत या कुछ और? कामयाबी आपको मिलती कैसे है? कौन से ऐसे रास्ते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं? आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कामयाब शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़ीरो से, जी हाँ, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो एक कामयाब प्रोफेशनल हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशन से भरी हुई है, इंस्पायरेशनल स्टोरी है। आइए मिलते हैं उसामा मलिक से। थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हसन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया है कासिम अली शाह के प्लेटफॉर्म पे। उसामा, आई एम श्योर दैट कि आज का जो सेशन है हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आई नो योर स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, आपने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपने सफ़र का स्टार्ट किया एक इंटरप्रेटर से, फिर ट्रांसलेटर से, नाउ यू द पार्ट ऑफ वन चाइनीज़ कंपनी जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, तो भाई ये क्या कामयाबी का रास्ता, कौन से ऐसे झंडे जो गाड़े थे और अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े ओहदों पे फाइज कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, इसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आज इस मुकाम पर पहुँचे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाबी है वो जो जिसको हम कहते हैं कि वालदैन की दुआ, उसके बगैर गुजारा नहीं, और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। सो नंबर वन जो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमें वालदैन की जो ना वो उनकी दुआ लेनी चाहिए। हम आजकल वो ढूंढते हैं कि जनाब वो बाबा जी के पास चले जाएं, वो वहाँ पे चले जाएं, उस बंदे के पास चले जाएं, तो आज वो कल्चर नहीं है, वो टाइम नहीं है, वक्त चेंज हो गया। और सबसे बड़ी जो बेलौस दुआ है, कोशिश करें आप बेलौस दुआ को ढूंढें, वो आपको लगेगी और वही आसमानों पे पहुंचेगी और वही आपका फ़ायदा होगी। और सबसे बड़ी बेलौस दुआ आपके वालदैन की, क्योंकि आपके वालदैन आपके लिए फ़िक्रमंद हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। आप वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे नुमाया मुकाम पर पहुँचें उनकी अपनी ज़िंदगी में, और वो भी अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ वकारब के साथ शेयर कर सकें। तो ये जो है ना, एक बेलौस दुआ लोगों को चाहिए कि वो ढूंढें वो कहाँ से मिलनी है, और उसकी सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी कि वालदैन है। ठीक है जी, हम आजकल पहुँचते हैं जनाब वो पीरों फकीरों के पीछे भागते हैं, ये पैसे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। फ़कीर कब किसी दौर में, किसी ज़माने में फ़कीर एक बहुत बड़ा एक नाम था, एक प्रोफेशन तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा रुतबा था एक्चुअली। लेकिन अब वो दौर नहीं है, फ़कीर है ही नहीं उस तरह, तो वो पैसे का लालच है, तो वो नहीं है, तो वो वालदैन है। नंबर टू आपका है पॉजिटिव थिंकिंग, आप स्टे पॉजिटिव। आपके जितने मर्ज़ी आपके वो चांसेस बन जाते हैं जनाब कि मैं आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, या मैं घर में बड़ा हूँ, 100 जिम्मेदारियाँ, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद एजुकेशन। आप एजुकेशन को थामे रखें, उसको मत छोड़ें, उसके साथ कनेक्टेड रहें। कोशिश करें आप प्राइवेट कर लें अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वर्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बीए कर लें, कुछ कर लें, लेकिन स्टडी के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि तालीम आपको, एजुकेशन आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। उसामा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे एक फॉलोअर हैं फेसबुक पे, उनका हमें एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक मकैनिक हूँ, और मेरी तरह और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी उम्र भी गुजर गई है। उसामा से हमारे बिहार पे पूछे कि हम लोग क्या करें।
सर उसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो अल्लाह ताला ने ऑफ कोर्स उनको शादियां होंगी, साहबे औलाद हो गए, तो वो अपनी औलाद को तलीम दिलवाएं, उनको उनके तलीम के हक़ से महरूम ना करें। अब उसमें उनके पास मसले मसाइल आ जाते हैं जी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये वो सारे मामलात, लेकिन कोशिश करें, जिस चीज़ की कोशिश करें वो इंसान और अल्लाह ताला गैबी ताकत से उसकी मदद कर देते, लेकिन आप अपनी नीयत रखें। ठीक है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप अपनी नीयत तो रखें, मैंने अपने बच्चे को बच्ची को तलीम दिलवानी है, गवर्नमेंट भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, कोई ना कोई सहारा बन जाता है, वो कोई ना कोई वसीला बन जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग अनपढ़ हैं और उनके पास तजुर्बा है, हमारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन हम मार खाते हैं, हमारे पास डिफरेंट इदारे बने हुए हैं गवर्नमेंट के, लेकिन चूंकि नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, वो अपने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जस्ट एक सर्टिफिकेट, एक पेपर ले सकते हैं, जबकि उनका 20-20 साल का गाड़ियां ठीक करने का, अपना रेफ्रिजरेशन का सारा एक्सपीरियंस है, जस्ट एक सर्टिफिकेट ले लें ताकि वो किसी अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को शो कर सकें, क्योंकि जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कंप्लायंस चेक्स हैं, उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए मजबूरी है कि आपका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। हो सकता है कि आपसे कम तजर्बे वाला, कम जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग रखने वाला बंदा सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपकी जगह पर किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी अच्छी फिक्स्ड सैलरी के साथ, एक बड़ी अच्छी ह्यूज अमाउंट के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो जो जवान हैं वो तो ये करें, और जो बूढ़े हैं हो गए हैं वो अपने बच्चों को तलीम दिलवाएं ताकि वो जो है ना अब फ्यूचर अपना बेहतर कर। बिल्कुल ठीक। अच्छा उसामा, आप हमें कुछ पर्टिकुलरली बता सकेंगे? बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो आगे क्या कर सकते हैं, किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं? सर इस टाइम जो सबसे बड़ा इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैप्टा है, वो सपोर्ट कर रहा है, और उसके अलावा भी डिफरेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, मुझे भी उनका नाम जहन में नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जस्ट गूगल करें, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और ये वो कुछ तो इंस्टीट्यूट इस तरह के कि वो आपको खुद वो 1,000-2,000 वो आपके बच्चों को जो है ना वो रिवर्स में आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये कि जस्ट आप अपनी नीयत बना लें कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल सही। अच्छा माशाल्लाह आपका जर्नी बड़ा सक्सेसफुल रहा, आपने स्कॉलरशिप्स भी ली हैं सारा, और आप आगे बता भी रहे थे कि अब आप कुछ बच्चों के लिए हेल्प भी कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप किस तरह से ली जाए, कुछ गाइड कीजिए। हमारे फॉलोअर्स जो हमें लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें बताना चाहेंगे कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो किस तरह से एक पोटेंशियल स्टूडेंट से ले सकता है? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप एक्चुअली हासिल करने का जो ना वो बेस्ट जो है ना, अगर आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है तो वो किसी भी कंट्री की जो एम्बेसी की एक्चुअल वेबसाइट है, लाइक आप पाकिस्तान में आप चाइनीज़ एम्बेसी विज़िट करें, वो वहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको परफेक्ट डेट्स मिलेंगी, इवन के आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ किस डेट तक किस यूनिवर्सिटीज़ में आप जमा करवा सकते हैं, इवन के आपकी वहाँ पे जितनी भी आप जो कोर्स स्टडी आप करना चाह रहे हैं वो भी लिस्ट दी होती हैं। स्पेशली मैं चाइना के मुतालिक बात करूँगा, मैंने जब भी इंफॉर्मेशन ली या किसी को रिकमेंडेशन दी, जस्ट आई गो टू दैट वेबसाइट और मैंने वो डाउनलोड किया और उनको सेंड कर दी। नंबर वन उसमें आपके जो इन्फॉर्मेशन फेक नहीं होती, नंबर टू आपको जो है ना वो परफेक्ट डेट्स के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें एजेंट वाला चक्कर कोई नहीं है। कोशिश करें कि हमने अगर 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल कर ली है, 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बड़ी एक हैंडसम अमाउंट चाइना गवर्नमेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप दे रही है, नंबर वन। नंबर टू, जब जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं किसी एजेंट की, आपने 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल कर ली और अब भी आप एजेंट ढूंढ रहे हैं। एजेंट हम किस लिए ढूंढते हैं? या तो हमने किसी को दो नंबर तरीके से बाहर भिजवाना है, हमने वो काम नहीं करना, तो हम उसको खुद, हम पढ़े लिखे हैं, हम खुद कर सकते हैं, या तो फिर आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन में इतना लेवल नहीं है कि आप खुद अप्लाई कर सकें। इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। उसामा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं आपकी माशाल्लाह वो सक्सेस स्टोरी पढ़ा था भाई, चाइनीज एम्बेसी की तरफ से एक अवार्ड से आपको नवाजा भी गया, उसमें से 27 लोग सिलेक्ट हुए थे और आप नंबर वन आए, वो क्या था? सर एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट जो ऑल ओवर पाकिस्तान इस टाइम 600+ कंपनीज हैं जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अपने पाकिस्तान लेके आए हैं। अब उनको सर्विस, बेस्ट सर्विस देने के लिए देर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली, तो हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं जो बड़े अरसा दराज से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो ऐसे हैं जो चाइना में अपनी तलीम हासिल करके आए अपने अपने फील्ड्स में, लेकिन चूँकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, सो दे जॉइन द फील्ड एक्चुअली इंटरप्रिटेशन।
तो जब वो इंटरप्रेशन फील्ड में है तो हमारे पास एक्चुअली दे हैव द लिस्ट इन एम्बेसी एज वेल और डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल्स पे भी है, वहाँ पे लिस्ट है। तो एम्बेसी ने रिक्वेस्ट की अपने सब चाइनीज से, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके उन लोगों से, तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद उन्होंने देखा कि ये वाला हमारा एम्प्लॉय जो है हमारे साथ कम्युनिकेशन भी कर रहा है और इवन के वन जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें आफ्टर द रिएक्शन जो है उसमें कोई गैप नहीं है, इट मीन्स कि वो जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रेशन कर रहा है वो परफेक्ट कर रहा है। इस बेस के ऊपर उन्होंने सेक्रेटिंग की, उनका एक डिफरेंट प्रोसेस था एम्बेसी का, वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान 600 कंपनी में से 27 लोग सिलेक्टेड हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इलाके शरकपुर शरीफ को रिप्रेजेंट करता हुआ वहाँ तक पहुँचा हूँ और वहाँ पे वो मैंने अवार्ड हासिल किया, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड, जो मेरे लिए एक बड़ा ही अहमियत का हामिल है और मुझे बहुत ज़्यादा जो ना वो रिसीव करने के बाद एप्रिसिएशन महसूस हुई। हम भी आप पे फ़ख्र करते हैं और माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आप पे फ़ख्र करता है और वी रियली फील प्राउड ऑन यू कि आपने इतनी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लिए दी। अच्छा उसामा, मैं आपका वो देख रहा था, माशाल्लाह आप इंटरप्रेटर है, फिर ट्रांसलेटर है, नाउ यू द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इस पूरे सफ़र के दौरान कुछ आवाज़ें तो कानों में आई होंगी कि यार नहीं कर सकते तुम, ये बड़ा मुश्किल है, रिलेटिव्स भी अक्सर कहते होंगे, इवन जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो लोग, कुछ लोग उनमें से मतलब कहते होंगे यार ये तरक्की कार है, बड़ी चापलूसी करता है भाई, मतलब इस तरह की चीज़ें जो होगी कि यार ये तो बॉस के बड़ा करीब है इसलिए ये शायद इस तरह से इसको जो है तरक्की मिल रही है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सर इंटरप्रेटर और जो ये मेरा ये सफ़र था ट्रांसलेशन के हवाले से एक बड़ा एक टफ सफ़र था, ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो ये डिसीजन ही बड़ा टफ था, इवन कि फॉर माई फैमिली, इवन ये टूडे राइट नाउ यू गूगल अगर आप उसको सर्च करें तो दुनिया की टफेस्ट लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लिखनी पढ़नी टाइप करनी फिनियन करेक्टर सब कुछ सीखा, सब कुछ किया और रिटन एग्जाम दे के पेंसिल के साथ। एंड नाउ द थिंग इज दैट व्हेन ही केम बैक टू पाकिस्तान तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली। नंबर वन, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको चाइनीज़ मैनेजमेंट मिल गई, आप कोशिश करें थोड़ी बहुत सैलरी के लिए अपने आप को जॉब जंपिंग ना करें, ये मेरा एक फर्स्ट सजेशन है। नंबर टू, जब आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप कोशिश करें, एक डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग स्टेज में है, वी नीड टू लर्न देयर टेक्निकल स्किल्स एक्चुअली, तो टेक्निकल स्किल्स उनकी सीखना बड़ी ज़रूरी है और टेक्निकल स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका एक मैनेजमेंट पार्ट भी है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम एफिशेंसी, टाइम की वैल्यू को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सफ़र के दौरान बड़े लोगों ने बातें की कि आप ये बड़ा मुश्किल है, बस कोई नहीं साल दो साल हैं या चेंज कर लेंगे। सर ये भी टाइम था कि कंपनी के ऊपर जब सख्त टाइम आया है या कोई मामला बन गया, या क्योंकि हम मैनेजमेंट में थे और अगर कोई मसला बन गया कि एक बंदा मौजूद नहीं है उसकी जगह पे उसका काम पकड़ लिया कि भाई ये मेरा ही काम है, ये सारी चीज़ होती है जब आपने नियत कर ली कि काम करना है। आपके जितने बॉसेस हैं वो 5 बजे जा रहे हैं लेकिन हम 8 बजे क्यों आ रहे हैं, 9 बजे क्यों आ रहे हैं, हमें उन्होंने कहा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कमिटमेंट आपकी डिवोशन। सो दिस इज़ एक्चुअली मोटिवेशन को जो मुझे, अब उसके अगेंस्ट क्या होता है, देन मैनेजमेंट भी सोई नहीं हुई, बिल्कुल पाकिस्तानी मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे, वो इंटरनेशनल लेवल की एक मैनेजमेंट है, वो आपको मॉनिटर कर रही है कि ये बंदा हमारा एक फैब्रिक का रोल उठाने में भी हेल्प कर रहा है, इवन के कटिंग तक भी कर रहा है। मैं यहाँ पे आपके जो ना वो चैनल से एक मस्ट मैसेज देना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट जो है ना वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक मर्चेंडाइजिंग है इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन है, एचआर है, उसमें आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। सबसे जो टफेस्ट पार्ट है वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाला, एक्चुअली वो हर एक जगह पे मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अगर वो बंदा सोया हुआ है तो मालिकों को नहीं पता चलना, मैनेजमेंट को नहीं पता चलना कि क्या हो रहा है। तो मैंने जो है MS मार्केटिंग किया हुआ है IBM UET लाहौर से, अब मैं आराम से अपनी मैनेजमेंट को CEO को कह सकता था कि why not I joined a merchandising team और सुकून से 5 बजे घर जाएं। मैंने खुद कहा कि I am here to learn something new, to learn the things, to learn the process actually। और उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई ये बंदा खुद कह रहा है कि मैंने सीखना है, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मिल गया और प्रोडक्शन चलाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट से कनेक्शन होता है। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा
माशाल्लाह अब चाइनीज़ भी आपको आती है, हम ज़रा थोड़ा सा सुनना भी चाहेंगे कुछ आप चाइनीज़ के कुछ आप कोई अल्फाज जो हैं आप बोलना चाहेंगे कुछ कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में, तो ज़रा चाइनीज़ बोल के हमें ज़रा सुनाइए, हम भी ज़रा देखना चाहेंगे प्लीज़। जिन है वो जाए कासिम अली शाह फाउंडेशन लाए जो वही निमन दखरण जो निमन जाए सो वो दाइफा तन शुरु वो शन जाए जो शुरु कासिम अली शाह फाउंडेशन दमू पे जो शुरू कई पाकिस्तान रन द नियंशिंग रन कई था मई ची हुई जो कई था मंद सुशियां कई था मंद खाउल्यू द फांगशु जो यु कई कई राहो जो था मजो कं खाय शंग होली कं खाय फा चानी शा था मई याओ छू चू तों चे जे वन थी पुया छु सु जो जै तंग जो समझ हो ची हुई को लाय वो मन हुई छू चुआ चू था दा मज ची याओ छू फाओ को छू शि छांग ली छू याओ चुआ चू ची हुई द। आज मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे एज ए गेस्ट आया हूँ, मुझे हसन रज़ा भाई ने बुलाया है और मैं यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन के हवाले से बताना चाहूँगा। कासिम अली शाह फाउंडेशन जो जगह है वो हमारे पाकिस्तान के नौजवान और यंगस्टर्स के लिए है जो वहाँ पे उनकी एक सोच और उनका एक नज़रिया तब्दील कर रही है पॉजिटिविटी के हवाले से, ना कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी पास आएगी और उसको ग्रैब करेंगे पकड़ेंगे, जबकि उनको खुद मार्केट में जंप करना और जाके अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना और अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करना। थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज के सेशन में और मैंने भी कोशिश की थोड़ी सी चाइनीज़ जो है वो आपसे सीख सकूँ, टाइम कम था लेकिन ये है कि थैंक यू वेरी मच और व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों आपका भी शुक्रिया, ये है हमारा असल चेहरा पाकिस्तान का, उसामा मलिक जैसे लोग जो कि एक इंस्पायरेशनल स्टोरी के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहे हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए टॉपिक एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर।